नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार की तरफ से अपर लेवल की मीटिंग की गई। हाई लेवल की मीटिंग में आला अधिकारियों के साथ बैठक की गई और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बात की जानकारी दी है कि एक नहीं, दो नहीं, आठ नहीं, दस नहीं, बल्कि 30,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। क्या है पूरी जानकारी, आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक कर विस्तृत कार्य योजना बनाई है। मंगल पांडे ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के द्वारा विभिन्न स्तरों पर सघन समीक्षा करते हुए भविष्य के लिए तैयारी की जा रही है। वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30,000 नियुक्तियां विभिन्न पदों पर की जाएगी। मंत्री पांडे ने बताया कि व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए मानव बल की आवश्यकता है। इस क्रम में 6,338 विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सक, 3,270 आयुष चिकित्सक, 4,671 JNM, 9,233 ANM की नियुक्ति 15 दिसंबर 2021 तक लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अलग अलग पदों पर लगभग 7,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न मेडिकल कॉलेज सह अस्पतालों और सदर अस्पताल से प्राप्त नीकू पीकू और NSCU के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची BMSICL को उपलब्ध कराकर शीघ्र आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के साथ विभिन्न संयंत्र, उपकरण और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। इसके तहत सभी CHC, रेफरल अस्पताल और PHC पर 2-2 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर और सभी अनुमंडलीय अस्पताल में 2-2 बाईपैप मशीन इस माह के अंदर भेजी जाएगी। 54 अनुमंडल और जिला अस्पतालों में PSA प्लांट और सभी मेडिकल कॉलेज सह अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंक अगले 3 महीने में लगाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, जिस क्रम में सभी अस्पतालों में काम शुरू किए जा चुके हैं। यानी कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी राज्य सरकार की तरफ से की गई है। अलग अलग पदों पर अलग अलग तरीके से वैकेंसी निकाली जाएगी। कुल मिलाकर 30,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जानी है साल 2021 और 22 को लेकर। इसलिए अगर आप भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ना चाहते हैं, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।